हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सुकमा जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सुकमा ज़िला, यह ज़िला भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में से एक सुकमा जिला के नाम से जाना जाता है। सुकमा जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस सुकमा शहर में मौजूद है और सुकमा जिला बस्तर मंडल के अंतर्गत आता है। सुकमा जिला पहले दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इस जिले को दंतेवाड़ा जिला से अलग कर दिया गया। सुकमा जिले का गठन सन 2012 में किया गया था। सुकमा जिला के पड़ोसी जिले का नाम सुकमा जिला के उत्तर दिशा में दंतेवाड़ा जिला, उत्तर पूर्व दिशा में बस्तर जिला, पूर्व से दक्षिण दिशा में उड़ीसा का मलकानगिरी जिला, दक्षिण पश्चिम दिशा में तेलंगाना का खम्मान जिला और बीजापुर जिला से घिरा हुआ है। सुकमा जिला में एक उपमंडल, 3 तहसील, 3 कॉलेज, 1 सरकारी संगठन, 1 अस्पताल, 6 बैंक, 3 नगर पालिका, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 142 ग्राम पंचायतें और 379 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2256 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सुकमा जिला की कुल आबादी 249,000 के करीब है। इस जिले का औसत लिंगानुपात 1,002 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 102 महिला हैं। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 392 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1560 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 68% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 68% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले में प्राथमिक स्कूल भी शामिल है जो कि लोगों को अपना योगदान देता है। व्यवसाय की बात करें तो इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती पर यह जिला काफी हद तक निर्भर है। पर्यटन स्थल की बात करें तो सुकमा जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार तुंगल बांध, दोरनाहा पुल, दुधमा पर्यटन, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जिलों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। इस जिले के नजदीकम रेलवे स्टेशन में दंतेवाड़ा और जगदलपुर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इस जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।